नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फिर से आज हमने एक ट्रेड लिया है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने ऑप्शन सेल किए हुए और यहाँ पे अभी हमारा प्रॉफिट फिलहाल 1000 रुपये के आसपास दिखा रहा है। वोलेटिलिटी के कारण ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। और मैं बताना चाहूँगा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर हम डेली फ्री कॉल प्रोवाइड करते हैं, आपको फ़ायदा उठाना है तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो MTM में अभी 500-600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। इसका पूरा लॉजिक मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप देखते रहिएगा सिर्फ। तो देख सकते हो जैसे कि अभी 800-700 ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे कि प्रॉफिट बुक होगा मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा दूँगा स्क्रीन। तो अभी 1100-1200 को टच कर रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे पूरा लॉजिक बता दूंगा दोस्तों मैं, और जिनको फ्री में चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं कॉल। जैसे प्रॉफिट अभी देख सकते हो, मैंने स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये देख सकते हो 3774, लगभग 4000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो मैं फिर से एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिफ्रेश की हुई। ओके, तो लगभग 3774 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। लॉजिक क्या था इसके पीछे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है और मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। एक लॉजिक मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में जो गैप्स बनते हैं ये वाले, ये देखो, ये कल का गैप डाउन ओपनिंग था और ये आज का गैप अप ओपनिंग है। मार्केट में हमेशा गैप को गैप ही मारता है, मतलब जहाँ पे पहले गैप डाउन क्रिएट हुआ था वो गैप कभी भी अगर मार्केट के दौरान फिल नहीं हुआ तो हमेशा उसको गैप डाउन या गैप अप्स के साथ ही ओपनिंग होती है। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ अभी आपके ध्यान में नहीं आ सकती है, लेकिन मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मार्केट के दौरान अगर गैप फिल नहीं हुआ, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे, मतलब एक दो दिन पहले गैप अप ओपनिंग हुई थी लेकिन मार्केट के दौरान ये गैप फिल नहीं हुआ, तो दूसरे दिन ये गैप डाउन ओपन हो गया। वो गैप अपना फिल करने के लिए दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हुआ है। कहाँ पे हो गया वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो गैप था पूरा, ये इसने डायरेक्टली फिल कर दिया और भी गैप क्रिएट कर दिया, और ये गैप कंप्लीट करने के लिए फिर से आज गैप अप ओपन हो गया। तो ये गैप का खेल रहता है, चलता रहता है। तो आज के ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, ये भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको हटा देता हूँ। ओके, तो देख सकते हो ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपके लिए। ओके, तो देख सकते हो ये पहला कैंडल था, ये इन बिटवीन कैंडल था, मतलब जैसे कि क्रिकेट में मैच टाई होती है वैसे बायर और सेलर के बीच में टाई हुआ था पहला कैंडल। तो पहले कैंडल से आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो मैंने अपने टेलीग्राम में फ्री कॉल्स दिए थे, वहाँ पे बताया था कि अगर इतना बड़ा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो अपने जोन के लिए, अपने जो बाइंग रेंज है या सेलिंग रेंज है उसके लिए वेट कीजिए, और आपका जब जोन आ जाए तब आप ट्रेड कीजिए। तो मैं लॉजिक बताना चाहूँगा कि ये मैच टाई होने के बाद, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर के बीच टाई होने के बाद क्या हुआ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, उसके बाद दो धड़ाधड़ और दो ग्रीन कैंडल बना दिए। तो इसका मतलब साफ है कि बायर्स को मार्केट को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि पहले ही रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया है। देख सकते हो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, जो मैंने आपको, मैं अपने वीडियो में हर बार बताता हूँ कि हमेशा उसको कोरिलेट कीजिए पिछले ग्राफ से, मतलब पिछले चार्ट से, कहाँ पे रेजिस्टेंस था कहाँ पे सपोर्ट था। तो गैप अप ओपन होने के बाद क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस था उसका, ये अभी उसके लिए सपोर्ट बन चुका है। जब भी मार्केट अपने पिछले लेवल ब्रेक करता है तो अगर वो रेजिस्टेंस है तो फिर से उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्ट बन चुका था, मतलब ये क्लियर था कि इसके नीचे मार्केट जाने वाला नहीं है, लेकिन आपको एंट्री कहाँ पे मिलेगी। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद हो भी सकता है कि, जैसे कि देख पा रहे हो तीसरा जो कैंडल है रेड कलर का, ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता था यहाँ पे नीचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पोलन फ्लैग पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा, ये 5 मिनट में दिखता है, इसको पोलन फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। ये पोल हो गया और ये इसका फ्लैग हो गया, देखिए ये जो अपर शैडो है इसका फ्लैग हो गया। ओके, तो इसके लिए आपको वेट करना है। जैसे कि मैंने कल असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बताया था, तो ये पोलन फ्लैग के बारे में है, ठीक है। ये उसका डंडा हो गया, ओके, ये और ये फ्लैग हो गया।
तो इसके अंदर ये जब तक है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, और इसका हमेशा ब्रेकआउट, अगर ये ऐसा डंडा नीचे है तो इसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक खेला गया बायर और सेलर, मतलब ट्रेडर के साथ, यहाँ पे दिखा दिया, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मैं ब्रेक हो रहा हूँ। मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ फिर से एक बार आपको, वेट कीजिए। ओके, तो देख सकते हो ये यहाँ पे दिखा दिया कि दो कैंडल छोटे छोटे ग्रीन बन गए, एक रेड बन गया, और दिखा दिया कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हुआ कैसा? नहीं हुआ। तो आपको कब पता चलेगा कि ये पोलन प्लग पैटर्न का ब्रेकआउट है? तो देख सकते हो हमें हमेशा वेट करना है कि रिट्रेसमेंट का वेट करना है, मतलब जब भी ये ब्रेक करता है उसके बाद रिट्रेस करके अगर ऊपर जा रहा है तो ये जोन में आपको बाय करना है, ना कि पहले ब्रेकआउट में। कभी कभार क्या होता है, मतलब मैनिपुलेशन जो करते हैं उनको पता चलता है कि ऑर्डर कितने साइड कौन से लगे हुए हैं, मतलब अगर यहाँ पे उन्होंने देख लिया कि बाइंग साइड ज़्यादा ऑर्डर है तो वो क्या करेंगे, एक ग्रीन बुलिश कैंडल बना देंगे उसके बाद नीचे लेके आएंगे, और वैसे ही हुआ। तो यहाँ पे जो बायर थे वो ट्रैप हो गए, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये स्विंग लो का होगा, तो स्टॉप लॉस हंट कर दिया गया, फिर से नीचे आ गया। तो मैंने बताया कि हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट जब भी होगा तब आप फिर से एक फ्रेश एंट्री ले लीजिएगा। देख सकते हो ये पोलन फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लेवल था, मैं आपको रेक्टेंगल में समझा देता हूँ, ये समझते हो, ये यहाँ पे ये हमारा ये वाला लेवल था। ओके, तो इसको मार्क करना है अभी, देख सकते हो। तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे एक फेक वाला ब्रेकआउट हुआ, मतलब अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो इसका स्टॉप लॉस वहाँ पे हंट हो गया। तो हमेशा क्या करना है, ऐसा जब मोमेंट होता है तो उसके बाद रिट्रेस कर देना चाहिए, और अगर दिखे साइन दिखे कि ऊपर जा रहा है तो बाय करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी फिर से जिसने अपने पोल के साथ भी स्टॉप लॉस लगाया तो वो भी हिट हो गया, और यहाँ पे एक बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे शैडो क्रिएट किया, इसका मतलब क्या है, ऊपर नहीं जाना चाहता है, फिर से नीचे आ गया। लेकिन जो की पॉइंट है वो यहाँ पे छुपा हुआ है, आपको जब ट्रेड मतलब चार्ट एनालिसिस करना आ जाएगा तो समझ जाओगे आप। यहाँ पे देखो ये क्या है, रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन, और पूरे डोजी कैंडल है, कितना डोजी कैंडल है, मैंने आपको हमेशा वीडियो में मेरे बताता हूँ कि हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए, डोजी कैंडल को पहचानिए, हैमर पैटर्न पहचानिए, कल एक पैटर्न बताया आज एक पैटर्न। तो देखिए इतने डोजी कैंडल के बाद अगर ये ग्रीन बनता है तो ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट ही है ना, और हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है लगभग। अगर कोई यहाँ से मतलब ये रेंज पे कोई बाय करके रखा होगा यहाँ पे 225-2250 के आसपास, तो इजीली उसको यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट मिल चुके हैं, मतलब कोई अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के भी यहाँ पे ट्रेड करता तो उसको उसके अगेंस्ट 100 पॉइंट मिल चुके हैं, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना हुआ, 1:2 हुआ। तो ये चीज़ें थी, और भी चीज़ें मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बात टेलीग्राम की बताई हुई है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। हर रोज़ मैं वहाँ पे सुबह अपने फ्री कॉल्स देता रहता हूँ, और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहाँ पे एंड कर दें।